ये नहीं थी, इनका कंस्ट्रक्शन अभी हुआ है। कौन से टावर के से ऊपर से गुजरते हैं तो व्हील्स है इसके एक, एक। पैर ऊपर करो, पैर ऊपर करो। नमस्कार साथियों, आज राजगीर के टूर पर हम जाने वाले हैं विश्व शांति स्तूपा, जो कि एक पहाड़ पर स्थित है, और वहां पहुंचने के लिए हमें केबल कार का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और आपको आज दिखाते हैं रोपवे का मजा और साथ विश्व शांति स्तूपा का वो नजारा जो एक पहाड़ पर फंसा हुआ है। कमी तो चलिए, तो हमने भी अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और हम चलेंगे रोपवे की ओर। ये रहे वो पॉइंट्स, विश्व शांति स्तूपा, एरियल रोपवे, वल्चर्स पीक, गोरा कटोरा डैम एंड बर्ड सेंचुरी। तो ये सब आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो हम बढ़ चलते हैं गेट की तरफ, जूम करके मैं दिखाता हूँ। तो देखिए रोपवे चल रहे हैं और ऊपर में शांति स्तूपा है, तो हम भी वहाँ चलेंगे और मजे करेंगे। चलिए साथ मेरे साथ बने रहिए और इंजॉय करिए इस ब्लॉग को। और ये रोपवे का एंट्री प्रवेश द्वार है, ये गाड़ियाँ लगी हुई है और काफ़ी टूरिस्ट टिकट काउंटर, जहाँ की केबिन रोपवे 120 और सिंगल रोपवे 100 रुपया। देखते हैं हम कौन सी सिलेक्शन करते हैं, तो शायद हम सिंगल पर ही जाएंगे। हम ये टाइमिंग भी देख लीजिए, यहाँ पर शेर का 8 से 11:15, फिर 1 से 3:30 तक काफ़ी। और ये देखिए गौतम होटल भी है, आपने सुबह अगर नाश्ता नहीं किया है तो यहाँ पर आप नाश्ता भी कर सकते हैं। और अपने रोपवे की तरफ में, और इसके बाद हम चलेंगे घोड़ा कटोरा की तरफ। ये देखिए टोटो की लाइन लगी हुई है, काफ़ी मात्रा में हमारे ये टोटो हैं अवेलेबल, आप उनका भी सवारी कर सकते हैं। और हमें चलना है रोपवे की तरफ, इस तरफ है आगे है ये रोपवे का एंट्री पॉइंट, एंट्री प्रवेश द्वार है। और हम रोपवे की एंट्री, ये देखिए लाइनिंग सिस्टम है, लेकिन फिलहाल कोई भीड़ नहीं। हमें काफी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें लाइन नहीं देनी पड़ रही है, तो हम आ चुके हैं। और ये देखिए हमारी एंट्री यहाँ चेक हो रही है, हम लोग 4 आदमी। और ये देखिए ये ट्रॉली आ रही है, बैग आगे कर रहे हैं ना। हमारा पहले जो बंदा है ये बैठ चुका है, चलिए। और ये इसने रवानगी दे दी है और अब नेक्स्ट आ रहा। चलो आदर जी आप चलिए नेक्स्ट में, आप भी बैठिए। यहाँ हमारी सवारी चालू हो चुकी है। और ये देखिए केबिन भी है, केबिन का मजा अलग है। तो ये बड़ा ही मजेदार एक्सपीरियंस है। और मैं आपको उधर एक पैन करके बताऊं, उन लोगों को ट्राई करके दिखाऊं। वो देखिए केबिन के लोग, ये खाली कुर्सियां भी आ रही है। किसी को डर तो नहीं लग रहा? और हमें तो मजा आ रहा है। ये देखिए साइड से आप पैदल भी जा सकते हैं, और केबिन का मजा कुछ अलग है, इसका मजा अलग है, लेकिन हमने तो इसी को ही प्रेफर किया। जो खुले में मजा है वो बंद में नहीं। ये बच्चे आगे चिल्ला रहे हैं देखिए, और ये देखिए इंक्लाइन की तरफ हम जाएंगे। देखिए लगभग बहुत सारी खाली है, क्योंकि अभी टूरिस्ट पीरियड नहीं है, क्योंकि बच्चे लोगों का अभी एग्जाम चल रहा है, तो अभी टूरिस्ट काफी कम है, नहीं तो यहाँ काफी लंबी लाइन लगती है, तो हमें भी लाइन में लगने का शौक नहीं है। और ये देखिए हमारा भी कैमरा से कवर किया गया जा रहा है।
ये जो आप केबिन देख रहे हैं ये शायद नई बनी है अभी फिलहाल, आगे ये नहीं थी, इनका कंस्ट्रक्शन अभी हुआ है, कॉन्सेप्ट अभी नया है। देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है, हेलीकॉप्टर की जैसे लग रही है केबिन, और ये तो पुरानी ट्रॉलियां है, ये भी अच्छी है, तो लोग उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब हम इस टावर के से ऊपर से घुसते हैं, एक जो व्हील्स है इसके एक जल्दी एक एक सिरकम सी होती है, और देखिए उतरते हुए लोग भी हमारे पास से गुजर रहे हैं। फोटो भी ले लो, तो ये देखिए मैं इनके छोटे छोटे फल लगे हुए, ऊपर देखिए अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि हम थोड़ा ऊंचाई में पहुंच चुके हैं, और हमारा ये अब इंक्लाइन पूरा होते हुए हम पूरे असेंडिंग करते हुए ऊपर पहुंच रहे हैं जहां हमें पहुंचना है, और ये ठंडी हवा चल रही है देखिए, और बस ये देखिए ये हाई ऑल्टीट्यूड पर हम अब लैंड करने वाले हैं। देखिए ऊपर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूं, तो चलिए हम बाहर निकलते हैं और यहाँ क्या एंजॉय करने के लायक है, क्या एक्सप्लोर करने के लायक है, हम एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं, तो मेरे साथ अब बने रहिए, कहीं भी मत जाइएगा। यहाँ देखिए राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का यहाँ आपका स्वागत है, रत्नागिरी हिल्स है ये, काफी हिली एरिया है। देखिए यहाँ भी काफी सारी दुकानें हैं, आप यहाँ भी रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं, लेडीज टॉयलेट्स जेंट्स टॉयलेट्स भी है, किसी प्रकार भी कोई इसकी चिंता नहीं है। ये देखिए हम धीरे धीरे सीढ़ियां नुमा रास्ते पर चढ़ रहे हैं, और ऊपर क्या है ये सस्पेंस है आपको ऊपर जाके बताएंगे। नहीं कैमरा हमारे साथ है, नहीं नहीं ये हमारे देखिए साथी बैठे हुए हैं, अब आपको मैं दिखाऊं, ये जो सस्पेंस मैंने आप दिखाने वाला था ये वही सस्पेंस है जो मैं आपको दिखाने वाला था, तो इनसे आप मुलाकात करिए, यही सस्पेंस था मैं आपको दिखाने वाला था। जूम करके ये झुंड के झुंड बैठे हुए यहाँ, यहाँ देखिए ये अपना आराम फरमा रहे हैं। तो चलिए धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हम एक और शांति स्तूपा के एक और स्ट्रक्चर की तरफ चल रहे हैं, और आपको दिखाते हैं ये, तो मेरे यहाँ देखिए मैं आपको बैक एंगल से दिखा रहा हूँ, ये कुछ चाइनीज भाषा में या कोई इसी भाषा में लिखा जाए, मेरे से पढ़ना मुझे नहीं आता, अगर आपको पढ़ना आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा इसका ट्रांसलेट करके ये क्या लिखा हुआ है। एक और यहाँ पर छोटा सा ये बौद्ध धर्म को समर्पित एक मंदिर है यहाँ पर, आपको इस एंगल व्यू से दिखाता हूँ, तो ये देखिए घाटी देखिए, वो मंदिर आपको नजर आ रहे हैं, तो ये देखिए हमारा ये व्यू देखिए, लैंडस्केप देखिए ऊपर से दिल्ली व्यू रीजन है देखिए, क्योंकि आज फॉगी वेदर है और कुछ विजिबिलिटी कम है, फिर भी आप देखिए आपको वहां से दो लेक तीन लेक नजर आ रही है। एक गौतम बुद्ध के एक मंदिर है यहाँ पर,
साधना केंद्र है ये। और ये देखिए एक और व्यू दिखा रहा हूँ, ऊपर से सेम व्यू है। ये देखिए शांति स्तूपा का हम ऊपर आ चुके हैं। और ऊपर अरे खींचा गलो वही खींचा है वैसी ही गौतम बुद्ध की ये प्रतिमा देखिए। ये रही दूसरी मूर्ति। इस दिशा में ये बुद्धा स्लीपिंग पोजीशन में है, ये विश्राम मुद्रा में सोए हुए हैं गौतम बुद्धा जी। और ये देखिए एक और मुद्रा में, एक और योग मुद्रा में ध्यान करते हुए। चलिए ये हमारा स्पॉट ये फिनिश हो चुका है, हम उसी की तरफ चलते हैं क्योंकि रोपवे भी बंद थी, उनका टाइमिंग 12 से लेकर 1 बज बंद हो जाता है। तो हम अभी लाइन में खड़े हैं और हमारी बारी का इंतज़ार करते हैं और हम फिर रोपवे से ही वापस नीचे केस में जाएंगे। और ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये अब वापसी की तरफ ये देखिए हमारा रोपवे चल पड़ा है। ये हमारा ब्लू कलर का ये हमारा ट्रॉली है, धीरे धीरे हम जा रहे हैं, इसका आनंद है। अब ये 1 बजे खुल चुका है और कॉरेस्पॉन्डिंग जो केबिन है वो बंद हो चुकी है, तो हमें भी वेट करना पड़ा आधा घंटा के लिए क्योंकि ये 1 घंटे के लिए बंद हो चुकी थी। आप देखिए ये भी एक आनंद है, मजा आ रहा है। और ये देखिए जंगल में एक आदमी लकड़ी काट रहा है, देखिए खटखट की आवाज हुई। और इधर से आप में देखिए सारे बिल्कुल खाली आ रही है, तो टूरिस्ट काफी कम है, एग्जाम्स का समय भी है करीब है इसीलिए टूरिस्ट काफी कम है। आप देखिए बेस, देखिए वो बेस है जहाँ पर कार और बसें रुकी हुई है, काफी डाउन इंक्लाइन में काफी स्टीप। ये देखिए बेसिकली 4 कलर हैं, ग्रीन, येलो, ब्लू और रेड, उसके बाद फिर वो रिपीटेशन है, 4 कलर ही बेसिकली यहाँ यूज किए गए हैं। मैंने पैर पैराग्लाइडिंग की प्रैक्टिस करते हुए ऊपर उठा लिए है, पैर ऊपर करो, पैर ऊपर करो। और ये देखिए मैं गियर और ये सिस्टम दिखा रहा हूँ आपको, ये जो देखिए ये किस तरह से रिवॉल्विंग कर रहे हैं देखिए। और फिर मैंने अपने पैर हवा में ऊंचे कर लिए हैं, शायद आपको नजर आ रहे हैं, ये देखिए पैर मेरे। और बस हम अपने बेस में पहुंचने वाले हैं और ये जो मजा एंजॉयमेंट फुलफिल हो चुका है। और हम करने वाले हैं और ये हमारे साहबजादे कुछ ज्यादा ही उतावले और ये लैंडिंग करेंगे और ये लैंडिंग कर चुके हैं और ये लैंड हो गए। चलिए चलिए हमारा ये रुकवे का इंजॉयमेंट पूरा हुआ, मजा आया। तो चलिए अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पर, बने रहिए।